जब पूछू सब बता मुझे। सबसे पहला पहला मेथड का हमने सीखा था कि हाउ टू टेक दी कॉमन्स, देन फिर इसी कॉमन में हमने सीखा था कि हाउ टू टेक दी कॉमन इन पेयर्स, देन आई टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब इधर देखें, कॉमन तो दूसरी नजर आता है कि कोई ना कोई टर्म कॉमन होता है, यहाँ तो कोई वेरिएबल, यहाँ पर कोई कांस्टेंट। पेयर का मैंने रूल बताया था कि अगर चार टर्म्स होंगे, दो दो का हम कॉमन लेते हैं, तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगी वो भी कॉमन होना जरूरी है, नहीं थे तो इसके रूल्स ये मैंने लिखवाए भी थे। डॉट्स का क्या होता है रूल, कि हमारे पास दो स्क्वायर्स होंगे, यानी कि उनके स्क्वायर रूट्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इट मीन्स कि यूं कह सकते हैं कि आप बीच में उसके माइनस होगी, दो स्क्वायर्स बीच में माइनस, तो हम लगाएंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर को। फिर था फोर्थ नंबर, दैट वाज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए तीन टर्म्स हो या फिर दो भी हो सकते हैं, नहीं तीन होंगे, और रूल क्या था, दो स्क्वायर्स दोनों पॉजिटिव और उनका मिडिल टर्म मौजूद होगा। ठीक है, मिडिल टर्म चाहे माइनस में हो या पॉजिटिव में, डजंट मैटर, तो वहां पे लगाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। फिर इस परफेक्ट स्क्वायर के हमने और मेथड्स निकाले थे, जिसमें हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि परफेक्ट स्क्वायर प्लस डॉट्स, तो इसमें मैंने सिखाया था मिडिल टर्म का ऐड और सबट्रैक्ट करना, याद है? यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और डॉट्स में यहाँ तो दो स्क्वायर्स होंगे, दोनों पॉजिटिव और इनका मिडिल टर्म मौजूद नहीं होगा, तो भी हम क्या कर रहे थे, ऐड और सबट्रैक्ट करवा रहे थे मिडिल टर्म को। यहाँ अगर थर्ड टर्म मौजूद भी हो उसके बावजूद वो मिडिल टर्म ना बने, तो भी हम क्या कर रहे थे, ऐड और सबट्रैक्ट करवा रहे थे मिडिल टर्म। तो ये हम कर रहे थे ये वाला मेथड इन एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 इट इज नाउ कंटिन्यूड। तो लास्ट टाइम आई गेस कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे एक्सरसाइज 4.2 के, इसी को हम फिलहाल आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये मैंने दोनों करवाए थे, इफ यू रिमेम्बर, क्वेश्चन नंबर 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक और मैं पार्ट करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, देन फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, यानी हम नया मेथड आज सीखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव द क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल देखें, सब रेडी। सो अब हमारे पास दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक है 44 और एक है 1, कोई भी चीज कॉमन, कुछ भी नहीं, पेयर में तो बनेगी नहीं, है ही दो टर्म्स, फिर क्या होता है डॉट्स, डॉट्स के लिए इन दोनों के स्क्वायर निकल रहे हैं, इनके स्क्वायर निकल रहे हैं, इनके स्क्वायर रूट निकाले 4 का स्क्वायर रूट 2 टी पावर 4 का टी स्क्वायर, और फिर हमने क्या दिया ऊपर होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे पास दो स्क्वायर बन गए, लेकिन बीच में है प्लस, माइनस नहीं है बीच में, तो माइनस नहीं है तो डॉट्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि डॉट्स का मकसद ही क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, सो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट फॉर द परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो दो टर्म है, मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो फिर हम क्या करवाते हैं, अगर मिडिल टर्म नहीं होता तो हम इसका मिडिल टर्म बना के एड और सबट्रैक्ट करवाते हैं। मिडिल टर्म कैसे बनाते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है, तो मल्टीप्लाई करना है 2 times 2 is 4, 4 times 1 is 1, और ये बच गया टी स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या बना 4t स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एड एंड सबट्रैक्ट 4t स्क्वायर। हमने लिखा कि भाई जो मिडिल टर्म है इनका उसको हमने रफ बनाया, केर तो गलाई हो अब इधर देखें, अब हम पहला टर्म लिखेंगे सेम 2t स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, फिर हम 1 को भी लिखेंगे सेम फिलहाल, फिर हमने क्या किया, हमने ऐड किया 4t स्क्वायर को, और ऐड करने के साथ साथ हमने सबट्रैक्ट भी किया 4t स्क्वायर को, आई बात समझ में। अब देखें जो ये प्लस वाला होता है इसको हम ले आते हैं अंदर, परफेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि यूं एक स्टेप बना बना दें, ट्वाइस स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, और ये वाला जो मिडिल टर्म है इसको आप लिखें बीच में, और ये वाला हो गया हमारा लास्ट टर्म, और ये वाला माइनस वाला आप आखिर में इसको अलग करके रखें।
एक दफा प्लस में माइनस में ठीक है अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लिखेंगे कि बाय परफेक्ट स्क्वायर के मुताबिक क्या होता है अगर हमारे पास हो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है हम सिर्फ बताते हैं ए को और बी को यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी और स्क्वायर ये जो टू ए बी था ये कहाँ गया ये फॉर्मूले में अंदर एब्जॉर्ब हो गया आई बात समझ में तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा ये है हमारा ए स्क्वायर ये हमारा है बी स्क्वायर और ये क्या है टू ए बी तो हम फार्मूले में जब इसको बंद करेंगे तो क्या उठाएंगे जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ ए और बी को उठाया यानी कि पहले और लास्ट टर्म को उठाया सिमिलरली हम यहाँ पे पहले पहले उठाएंगे टू टी को और लास्ट टर्म क्या है वन और मिडिल टर्म की सिंबल उठाते हैं हम यहाँ पे उठाएंगे टू टी प्लस वन एंड होल स्क्वायर ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज यानी कि इन तीनों टर्म्स की जगह हमने सिर्फ लिखा 2t प्लस 1 होल स्क्वायर अगर हम इसके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और ओपन करेंगे तो ये हमें वापस मिल जाएगा क्लियर है बाकी क्या बचा आखिर में माइनस 4t स्क्वायर अब अगेन देखें ये भी है होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलेगा 4 का 2 होता है t स्क्वायर का t होगा और बीच में है माइनस तो इनके ऊपर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर लग सकता है तो हम क्या करेंगे पहली ब्रैकेट को हम लिखेंगे सेम माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 2t होल स्क्वायर अब ये पूरा का पूरा है a और ये पूरा का पूरा है b अब हम क्या लगाएंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के मुताबिक अगर मेरे पास होता a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो किसके बराबर होता ये a माइनस b और a प्लस b यानी कि हम इसको एक दफा लिखते हैं प्लस में और एक दफा माइनस में तो मैंने पहले भी कहा था जो हमने पिछले प्रॉब्लम्स किए अगर ब्रेकेट हो तो आप क्या यूज करेंगे बड़ी ब्रेकेट पहले इन दोनों को रखें यानी कि हमने लिखा a फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के इसको लिखें हमने लिखा b ये हो गई हमारी ब्रेकेट खत्म सिमिलर इन दोनों को दोबारा लिखे हैं यहाँ पे लिखेंगे 2t प्लस 1 और यहाँ पे हमने लिखा 2t फिर हम क्या करते हैं एक ब्रेकेट में देंगे माइनस और दूसरी में देंगे प्लस ये हो गया आपका आंसर आई ना समझ में वेरी सिंपल है जैसे हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम्स किए हैं यानी कि पीछे हम करके आए बिल्कुल वैसे ही है देयर इज नथिंग चेंज इन दीस प्रॉब्लम्स इधर देखें सबसे पहले पहले हमने क्या किया हमने चेक किया वेदर एनीथिंग इज कॉमन और नॉट तो यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं थी फिर हमने क्या किया इन दोनों के स्क्वायर रूट्स बनाए दोनों के स्क्वायर रूट्स बन गए तो स्क्वायर रूट्स बनने के बाद हमने देखा कि बीच में प्लस की सिंबल तो हमने कहा कि इसका मिडिल टर्म होगा 40 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड हमने यहाँ पे किया फिर हमने उस मिडिल टर्म को ऐड भी किया और सबट्रैक्ट भी किया जो हमने मिडिल टर्म ऐड किया उसको हम लेके गए बीच में 2ab की जगह पे फिर हमने लगाया परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला और इन तीनों टर्म्स की जगह हमने ये फार्मूला लिखा कि भाई 2t प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर हो गया ये माइनस 4t स्क्वायर आखिर में बच गया फिर हमने क्या किया 4t स्क्वायर का लिया स्क्वायर रूट होता है 2t और होल स्क्वायर अब ये है हमारे पास a स्क्वायर और ये हमारे पास b स्क्वायर बीच में माइनस तो हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हम एक दफा लिखते हैं माइनस में और एक दफा लिखेंगे प्लस में आई बात समझ में जितने प्रॉब्लम मैंने करा एटलीस्ट इनकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है सो अब यहाँ तक आसान है वेरी सिंपल तक अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1 और 3 दोनों हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है कि फैक्टराइज और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हम पहला पार्ट लिख रहे हैं कि 42 x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 पक्को लावल अब सुने सर अब सुने ये क्लियर है देखो सिंपल ये लास्ट टाइम की तरह हो गया हमारे जो हमने पिछले के लिए रिवीजन हो गई हमारी अभी हमारे पास न्यू प्रॉब्लम सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन वही है कि हमें क्या करना है फैक्टराइज करनी है तो यहाँ पे कोई चीज कॉमन निकल रहा है टू की टेबल सबके ऊपर लगती है ठीक है तो हमने क्या किया हमने 2 को लिया कॉपी किया अब 2 अगर यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 21 यानी कि 42 के ऊपर 2 की टेबल लगाएंगे तो 2 टाइम 2 इज 4 हो गया और 2 टाइम माइनस 4 हो गया तो
21 आया और बाकी क्या बचा 21 x स्क्वायर माइनस 8 भी कर देंगे 4 टाइम्स 1 नहीं मैंने शुरू किया। अब देखें अब जो हमें ये अंदर मिला इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, पेयर कॉमन तो हो ही नहीं सकता। फिर आ जाते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे, डॉट्स भी नहीं होगा क्योंकि तीन डॉट्स है। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है एक ही स्क्वायर मौजूद है घन वाला वो भी माइनस में, 21 का स्क्वायर होता ही नहीं है, स्क्वायर रूट होता है 21 का नहीं, यहाँ तो होता है 4 टाइम 4 इज 16, यहाँ होता है 5 टाइम 5 इज 25, 21 का स्क्वायर होता ही नहीं है। आई बात समझ में? अब तो जितने भी हमने मेथड पढ़े वो तो लग ही नहीं रहे, अब क्या होगा? न्यू मेथड आएगा, न्यू मेथड। तो वो जो न्यू मेथड होता है फैक्टराइजेशन का, इसको हम कहते हैं छठा नंबर ट्रायनोमर। ओके इधर देखें, अब ट्रायनोमर में करते क्या है, इधर देखें सर, ये होता है पहला टर्म और ये हो गया हमारा लास्ट टर्म। यहाँ तो दो जो बड़े टर्म्स होंगे उनको उठाएंगे, यहाँ जो सबसे बड़ा टर्म होगा और जो सबसे छोटा टर्म होगा यहाँ के कॉन्स्टेंट हम इनको उठाएंगे और अलग रखेंगे। इधर देखें सर, हमने उठाया 21 को और एक्स स्क्वायर को अलग लिखा और आखिर में क्या है 1, सही है यहाँ तक। फिर हम क्या करते हैं, हम इनके लेते हैं फैक्टर्स। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 21 के फैक्टर्स होते हैं 3 और 7 और 1 के फैक्टर्स तो 1 ही होते हैं, सही है यहाँ तक। वेरी सिंपल है, यानी कि अगर ना डॉट्स लग रहा है ना मिडिल टर्म बन रहा है कुछ भी नहीं लग रहा तो हम करते हैं सॉल्विंग दी ट्रायनोमर। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है फैक्टराइजेशन में ट्रायनोमर। बहुत ही अच्छे से समझे, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी, मैट्रिक में भी काम आएगा, ठीक है। अब हमने किया क्या, हमने जो पहला टर्म है यानी कि स्क्वायर वाला टर्म, जो बड़ा बड़ा टर्म है उसका और जो सबसे छोटा टर्म है इनको लिखा, रख रख लिखने के बाद इनके लिए फैक्टर्स, फैक्टर्स आ गए। अब मेरे पास फैक्टर्स है कितने, 3, 7, 1। अब इन फैक्टर्स को मुझे यूज करके ये मिडिल टर्म बनाना है, मिडिल टर्म यानी कि मुझे ब्रेक करके मिडिल टर्म बनाना होगा। आई बात समझ में, यानी कि इस मिडिल टर्म को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है 200 में, लेकिन वो जो मिडिल टर्म बनेगा वो इन फैक्टर्स से ही बनेगा। आई बात समझ में? आप देखें मिडिल टर्म में क्या बनाना है हमें, 4, अगर हम 7 माइनस 3 करें तो 4 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे बस लिखा 7, 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस 4x चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 माइनस का और ये प्लस का कर देंगे, सही है। और ये जो मैंने x स्क्वायर लिखा था, एक एक्स इसको देंगे और एक एक्स इसको, अब ये क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3x, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 4x, यानी कि माइनस 4x की जगह हम ये दोनों लिख सकते हैं। अब ऐसा फॉन्ट है उसे ना 70 माइनस 3 4 पढ़ना, लेकिन ऐसा कि माइनस या 4 का फॉन्ट नहीं है, माइनस या 70 है प्लस या 3 है। अब सुने, ये जो 4 है ये मैंने माइनस करके बनाया, ये मैं प्लस करके भी तो बना सकता था। अब ये डिपेंड करता है आखिरी सिंबल के ऊपर, अगर ये सिंबल है माइनस में तो आपको माइनस करके मिडिल टर्म बनाना है, अगर ये प्लस में है तो प्लस करके मिडिल टर्म बनाना होता है। आई बात समझ में? सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखें, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 करेंगे 21 एक्स स्क्वायर को लिखा सेम, माइनस 4 एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये वाले दो फैक्टर जो कि हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 7x प्लस 3x और आखिर में माइनस 12। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद जो पेयर कॉमन वाला मेथड था वो हम फॉलो करते हैं। कैसे, ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए, हमने यहाँ पे लिखा 2 ब्रैकेट में इन दोनों में कॉमन 7 और एक्स भी, यहाँ से 7x क्या तो बाकी बचेगा 3x, इन दोनों में से 7x क्या तो बाकी बचेगा 1, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं तो हमें की प्लस 1 इज कॉमन, ब्रैकेट में हमने 1 कॉमन किया तो 3x, 1 कॉमन किया तो माइनस 1, ब्रैकेट सेम आई, ब्रैकेट सेम आई, तो ये लिखेंगे 2 और ये ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग एक दफा और दूसरी दफा, यहाँ पे बचेगा 7x और यहाँ पे प्लस 1 और ये हो गया आंसर। आई बात समझ में? हाँ, अलग अलग।
लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाता है, मेरा मेथड फॉलो करें बहुत आसान सर। सेकंड आज से स्टेप समझ नहीं आया, देखिए मैंने यूज किया ना सेकंड मैंने तो भी कुछ नहीं होता, अगर कुछ और होता तो शो करना, अभी भी करवा रहा हूँ सर। सेकंड आज समझ नहीं आया स्टेप, इनको लिखे, इनकी बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं वो हम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दोनों सही, हाँ ये क्वेश्चन नंबर टू है, वन और थ्री हमने कर लिया था, जल्दी करें। हाँ ये समझा रहा हूँ, इधर देखें, हमने यहाँ पे पेयर कॉमन लिया, इन दोनों में कॉमन है 7x, तो यहाँ से 7x किया तो बाकी बचेगा 3x, यहाँ से 7x किया तो बाकी बचेगा 1, इन दोनों में 1 कॉमन है बाकी 3x-1 से बचेगा। अगेन ये ब्रेक है तो भी ब्रेक है, देखिए इसी को हमने लिखा एक दफा और बाकी बच गया 7x+1 को हमने इसको लिखा, सही है। जल्दी जल्दी कहलाओ ना, मैंने तभी यहाँ पे डाउनलोड करवाया कि आप लोग करें, ये अपने कॉपी करता है चले इधर देखे एक और प्रॉब्लम, सर एक पॉइंट आपको बंद कर जल्दी कर चक्कर है, अब इधर देखे 24a² इधर देखे बाद में लिखिएगा, आई विल गिव यू द टाइम, लुक हियर 24a² - 18a+27, सबसे पहले पहले कोई चीज कॉमन, क्या 3 की टेबल सबके ऊपर लग रही है, सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले हम लेंगे 3 को कॉमन, 3 को ले, अब 3 की टेबल 24 के ऊपर, 8 times 3 = 24, तो यहां पे लिखेंगे a और ये a² - 9, 3 की टेबल 18 के ऊपर 6 और ये हो गया a, 27 के ऊपर 9। अब देखें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ना स्क्वायर रूट निकल रहा है, ना डॉट्स लगेगा, कुछ भी डायरेक्ट आ जाएगा, ट्राइनोमल आ जाएगा, आई बात समझ में। अब ट्राइनोमल के लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म और आखिरी टर्म, इधर लिखो जल्दी से, 4 times 2 is 8, 4, चुप करे में हो, पहला टर्म है 8 और लास्ट टर्म क्या है 9 है, सही है। 8 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स कैसे लेते हैं, एलसीएम निकाल के, यू तो यू हम निकालेंगे तो 8 के फैक्टर्स आएंगे 2, 2 और 2, और जब हम 3 के लेंगे तो 3 = 3। अब देखो अब मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 2, 2 and 3 and 3, इन सब को मुझे मल्टीप्लाई सेपरेट करके दो टर्म्स में चेंज करना है, चेंज ऐसे करना है कि मिडिल टर्म बने। अब मिडिल टर्म में क्या आ रहा है, 6a आ रहा है, और ये 6 हमें प्लस करके बनाना है कि माइनस करके, प्लस करके हमें बनाना है, प्लस करके, ठीक है। तो अब देखें ये तो ध्यान दो इसको ना, इसको हमने यहाँ पे माइनस कर दें, ये बुक में खराब है, गलत है, बुक में मिस्टेक है, इसको माइनस कर दें माइनस, ठीक है बेटा, इसको 27 को माइनस करो, सही है। अब इधर देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इन फैक्टर्स को हम इस तरीके से ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे कि ये मिडिल टर्म बन जाए, तो बनाएं जल्दी जल्दी से, देखें 3 times 2 is 6, 6 times 2 is 12, 12 minus 6
बन गया, सही है यहाँ तक। अब फिर क्या करना है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अल्फाज बचा नहीं, ऐसा नहीं है कि इस टू को मैंने छोड़ दिया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 12। अब 12 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 6 हमें मिल जाएगा। अब देखें प्लस का 6 या माइनस का 6, हमें चाहिए माइनस का 6, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है इसको करेंगे माइनस और जो छोटा वाला है इसको करेंगे प्लस, और ये जो ए स्क्वायर थी ए के देंगे इसको और ए के देंगे इसको, यानी कि अभी माइनस 6 ए की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस 12 ए प्लस 6 ए। आई बात समझ में, साइन ओवर हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 ए स्क्वायर माइनस, पहले चलो प्लस 6 ए लिख लो, बजे प्लस 6 ए माइनस 12 ए माइनस 9, यहाँ तक सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे पेयर्स, तो ये हमारे पास दो पेयर और ये हमारे पास दो पेयर। अब देखें 3, इन दोनों में कॉमन एक तो ए है, दूसरा 2 की टेबल दोनों के ऊपर लग रही है, तो यहाँ पे लेंगे 2 है हो गया हमारा कॉमन, 2 की टेबल एक के ऊपर, 4 और एक एक हो गया कॉमन, तो बाकी बचेगा 4 ए, और बीच में देंगे हम लोग प्लस और 2 इसमें से कॉमन, तो 6 के ऊपर 2 की टेबल 3 और ए गया कॉमन, ये बचेगा 4 ए प्लस 3, इन दोनों में कॉमन माइनस सिर्फ 3, ये 9 है बेटा 9। अब 3 की टेबल 12 के ऊपर 4 और ये a बचा, देखो माइनस माइनस प्लस, 3 की टेबल 9 के ऊपर, ये निशानियों का बहुत ख्याल करना है ट्रायंगल में, सही है। अब देखो क्योंकि अगर ये निशाने आगे पीछे कर देंगे, इसको माइनस इसको प्लस कर देंगे, तो ब्रैकेट एक जैसी नहीं आएगी, अगर ट्रायंगल में ब्रैकेट एक जैसी नहीं आई तो मतलब कि आपने गलती की है। आई बात समझ में, अब ये ब्रैकेट एक जैसी है तो उसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे दफा और इधर बचेगा 2a और इधर बचेगा 3, ये हो गया हमारा आंसर। अब सब कॉपी निकालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी एक करके दिखाओ, हिम्मत हिम्मत। और ये जो मैं ट्रायंगल में, मुझे सुने, चौथे नंबर चैप्टर में और पांचवे में जो जो मैं प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ उनको अच्छे से नोट करते हुए जाए, बस यही कर ले, बुक में लाइन मिस्टेक्स है। सर न्यू एडिशन में भी मिस्टेक्स है? हाँ ये न्यू में था, जो मैंने पहले मिटाया दूसरा वो भी गलत है। 98 के लेंगे फैक्टर, 2 की टेबल लगेंगे, फैक्टर्स क्या बने, 2 7 7, हमें बनाना क्या है 7, प्लस करके माइनस करके माइनस, देखो 2 टाइम 7 इज 14 माइनस, और ये 7, 14 माइनस 7 7, प्लस के माइनस के प्लस के प्लस के 7 है, तो हम क्या करेंगे प्लस 14 और माइनस 7, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे y स्क्वायर 7y की जगह प्लस के 14y और माइनस के 7y, और ये माइनस के हो गए 98, सही है। हम देखो पेयर और ये पेयर, इन दोनों में कॉमन y, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 14, इन दोनों में कॉमन माइनस का 7, तो यहाँ पे बचेगा y माइनस माइनस 7 या 98 के ऊपर 14, ब्रैकेट सेम है, हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 14 और y माइनस 7। अब आया समझ में, अब तो आना चाहिए, अब अगर आ गया तो करो। सर ये आपने प्लस के नीचे माइनस क्यों लिखा है? माइनस नहीं, वहाँ 14 से पहले 14 माइनस 7 प्लस, तो ये प्लस 14 माइनस 7 क्या बनेगा, 14 में से 7 के 7 बनेगा ना सर, लास्ट ब्रैकेट में कह रही हूँ, सेकंड नंबर में। हाँ देखिए माइनस 7 हो गई कॉमन, गलत हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे बचेगा y माइनस माइनस प्लस और 7 के टेबल 98 के ऊपर 14, तो ये बच के दोनों करेंगे एक दफा, बाकी बचेगा y माइनस, अरे क्या बात है,
अरे मस्तियां कर रहे हैं बोल रहे हैं कुछ हो रहा है बोल कर रहे ये करो जल्दी करो 3x² -30 है -30 अरे बाबा मारे के बेगे ने सब जायो क्या पूछो तो बनेगा 10 लेकिन हमें चाहिए 38 प्लस करवाएंगे तो बनेगा 16 का हमें तो चाहिए 38 और बनाने भी माइनस करते हैं ठीक है लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आ गया 3 फैक्टर्स हैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 3 × 13 इज 39 - 1 क्या होगा 38 हो गया लेकिन हमें माइनस का 38 चाहिए तो हम क्या करेंगे माइनस का 39 और 1 होगा प्लस का और इधर देखो इधर है x और इधर क्या है y इधर देखो x² के फैक्टर्स x और x और y² के फैक्टर्स y और y तो ये xy एक इसको देंगे और एक xy इसको देंगे तो क्या बन गया माइनस 39xy और प्लस xy ये किसकी जगह लिखेंगे 38 की जगह तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x² माइनस 39xy और प्लस xy और आखिर में माइनस 13y² फिर देखो ये पेयर और ये पेयर इन दोनों में कॉमन 3b है और x भी यहाँ से 3 भी कॉमन गया x भी गया बाकी बचेगा x माइनस 3 की टेबल 13 दफा और x कॉमन गया बाकी बचेगा y इन दोनों में कॉमन y यहाँ से y गया बाकी x माइनस और इसमें से y गया तो 13y ब्रैकेट एडजस्ट किए अब हम क्या लिखेंगे x माइनस 13y और 3x प्लस y आंसर सही है जल्दी करें और ये जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सब नहीं है सब हम मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं सब ट्राइनोमल के जल्दी करें कोशिश करो चलो ट्राई 4x² प्लस 12x प्लस 5 कोई भी चीज कॉमन नहीं है डायरेक्ट ट्राइनोमल लग रहा है कहो बाबा उनके छाना रिसो जल्दी कहो हिम्मत करो कोशिश सर कहो ना तो देर चुप करे लो सर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ये फैक्ट आप